वेलकम है आप सभी का निशांत व्लॉग्स चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड के साथ क्रिस्पी ब्रेड रोल। आइए शेयर करती हूँ मैं आपके साथ इसकी रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी है और कुछ ही समय में आप ये बनकर तैयार हो जाएगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही क्रिस्पी है और बहुत ही कम समय में ये बन के तैयार हो जाएगी। और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी और लाजवाब है। तो आइए मैं शेयर करने वाली हूँ इसकी रेसिपी। गाइस, हमें सबसे पहले चाहिए कटी हुई प्याज, कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक काटना है गाइस इसको, और एक उबला हुआ आलू या फिर आप दो भी ले सकते हैं, थोड़ा सा धनिया, दो हरी मिर्च। और मसालों में आप इसमें अपने स्वाद अनुसार जैसा भी आप चटपटा बनाना चाहें या फिर फीका बनाना चाहें, क्योंकि कई लोग होते हैं उनको कम मिर्ची का खाना पसंद होता है, तो आप उसके अनुसार मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा गरम मसाला आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें हमें चाहिए उबले, इन सब को मैश करने के बाद इसमें आप थोड़ी सी दही ऐड करिए, उसमें इसका एक मॉइस्चराइजिंग अच्छी सी आएगा और ये आलू को ठीक से लपेट लेगा अपने अंदर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है गाइस, जैसे ब्रेड का जो कॉर्नर्स होते हैं उनको आप मिक्सी कर लीजिए। मिक्सी करने के बाद उनको अलग रखिए, फिर ब्रेड को गीला करके बेलिए। बेलने के बाद उसमें इनकी ये सब भरिए, उसके अंदर फिल कीजिए, उसके आप रोल बनाइए। देन आप अरारोट को थोड़ा सा गीला मिक्स करके, थोड़ा पानी की तरह लिक्विड रख के अरारोट को, उसके अंदर आप उस ब्रेड का जो आपने रोल बनाया है उसको आप उसमें डिप करके ब्रेड के चूरे में, जो जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से बनाकर, थोड़ी देर के लिए फ्रिज में स्टोर कर दीजिए। फ्रिज में स्टोर करने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि इसके अंदर के जो आलू होंगे वो फैलेंगे नहीं, और आप जब तलेंगे तो उसमें तलने के साथ साथ पानी वाली आवाज़ नहीं आएगी और तेल उछलेगा नहीं, और ये जल्दी ही जल्दी 2-3 मिनट में आपका अच्छा ब्राउन बन के, जैसे अभी मेरी वीडियो में बना है ऐसा बन के तैयार हो जाएगा। और गाइस देखिए, ये बहुत ही क्रिस्पी है और बहुत ही लाजवाब है। तो आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा मेरा ये क्रिस्पी लाजवाब सा खाना। तो ट्राई कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। बाय गाइस, तो अब देख सकते हैं ये हैं क्रिस्पी ब्रेड रोल, जैसे कि आपको वीडियो में बताया गया था। तो आओ आज हम इसको टेस्ट करके बताते हैं ये कैसे हैं। देखिए गाइस, इसका स्वाद देखते हैं कितने क्रिस्पी हैं, और खाने के बाद ही पता लग पाएगा ये कैसे हैं। गाइस बहुत यम्मी है, बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया खा के। गाइस मैं तो आपसे ये कहूँगा एक बार आप जरूर ट्राई करें और ये घर में भी रेसिपी ज़रूर बनाएं। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतना टेस्टी बनेगा ये। गाइस इसको हम 10 में से 9 रेटिंग देते हैं, और आप कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा, और आप घर पर भी ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा घर पर आपको कैसे बना। इसी की रेसिपी आपके साथ ऑलरेडी शेयर है, और आइए एक बाइट और लेके देखते हैं, फर्स्ट बाइट की सेकंड बाइट में देखते हैं कितना टेस्टी बनता है। गाइस बहुत टेस्टी है, ये तो मैं किसी को नहीं देने वाला, सारा खुद खाऊंगा। ये तो मैं आपको भी नहीं दूंगा गाइस, बहुत यम्मी है। खुद टेस्ट कीजिए और उनको टेस्ट कराइए, अच्छा लगा तो कमेंट्स में बताइए कि आपसे कैसे बनी। और रेसिपी आप जैसे कि वीडियो में फॉलो कर सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए बक के। थैंक यू गाइस।